तो दोस्तों डार्क मूड या साइलेंट मूड या वाइब्रेशन मूड तो बहुत सारे सुना ही होगा, बट फ्रेंड्स क्या आपने काफी गॉड मूड सुना होगा? मेरे कहने का मतलब दोस्तों जो डार्क मूड है या वाइब्रेशन मूड या जो साइलेंट मूड है बहुत सारे लोग उसको जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, बट फ्रेंड्स क्या आपने जो गॉड मूड है वो क्या जानते हो? मेरे ख्याल से आप नहीं जानते हो। बट फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा गॉड मूड क्या है और उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि कैसे हम लोग उसको इनेबल कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो तो मेरे ख्याल से आप लोग के जान लेना बहुत ही जरूरी है, फ्यूचर पर आप लोगों के लिए बहुत ही काम पे आएगा। तो उससे पहले दोस्तों मेरे आप लोगों से एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों आगे ऐसा वीडियो पाल के दोस्तों प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं हूँ जयदेव और आप देखो टेक्निकल जयदेव यूट्यूब चैनल। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, तो दोस्तों मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो गॉड मूड है वो क्या है, ठीक है? देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, उससे क्या होगा आपके यहाँ पे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा या आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हो, मैं यहाँ पे गॉड मूड क्रिएट कर चुका हूँ, कैसे क्रिएट करना वो तो दिखाऊंगा लेकिन वीडियो को आगे देखना बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करने के बाद मैं आप लोग के यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोग यहाँ पे दोनों साइड करके आप लोगों के सामने दिखा देता हूं जो गॉड मूड क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, जैसे कि मैंने यहां पे कंट्रोल पैनल ओपन किया तो देखो कि आपके यहां पे जो कंट्रोल पैनल की जो सारे जो सेटिंग्स है यहां पे आपको शो भी हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है बहुत ही पार्ट पार्ट पे है, यानी कि दोस्तों अगर आपको कोई तुरंत पे काम करना हो तो आप क्या करोगे बहुत सारे इसके अंदर जाना होगा, यानी कि बहुत सारे कैपेबिलिटी के हिसाब से यहां पे जो डिवाइड करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पे गॉड मूड जो है उसको ओपन करके रखोगे या उसको इनेबल करके रखोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो वो क्या आ रहा है खुल के आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे ढूंढने की कोई बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे जाओ ऐसे ऐसे वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आप एक बार यूज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा जो कि खुल के मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत आपकी आंखों के सामने मिल जाएगा। मूल जो फंडा है यानी कि एक बात में अगर मैं आप लोग को बात करूँ जो गॉड मूड है वो है कि जो आप लोग की जो कंट्रोल पैनल है उसकी एक शॉर्टकट ही आप समझ सकते हो, यानी कि दोस्तों कंट्रोल पैनल के अंदर जो आप लोग जो प्रॉब्लम है यानी कि बहुत सारे जो आप जो कुछ चेंज करना चाहते हो वहाँ पे ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। कंट्रोल पैनल की जो सारे जो यहाँ पे जो टिप्स देख रहे हैं सारी जो आपके यहाँ पे जो आइटम्स आपको यहाँ पे तुरंत ही मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा जो गॉड मूड क्या है। आप बात करते हैं गॉड मूड को कैसे हम लोग इनेबल करेंगे, यानी कि उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद जो मैं अभी जो बता रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके यहाँ पे जो डेस्कटॉप के अंदर जो राइट क्लिक कर रहे हो, करने के बाद यहाँ पे जो न्यू जो फोल्डर देख रहे हो आपके पे न्यू पे क्लिक करके पे फोल्डर पे क्लिक करना होगा, और भी नीचे कोई भी छेड़खानी नहीं करना होगा, ठीक है? बस आपके पे फोल्डर पर क्लिक करना होगा, जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करोगे देखो कि आपके सामने ऐसा आ जाएगा, या आप पुराना जो फोल्डर है वहाँ पे नहीं काम करना, ठीक है? आपको न्यू फोल्डर बना के ही काम करना होगा। ये काम ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे विंडोज 7 8 10 जहाँ पे भी कर सकते हो सेम ही बात है, लेकिन 10 के लिए एक बात आपको समझना होगा वो मैं आप लोग को वीडियो के अंत पे बताऊंगा, वीडियो को आगे देखना सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन विंडोज 7 8 10 में सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो न्यू फोल्डर क्लियर करने के बाद आपके यहाँ पे जो नेम आ रहा है बस आपके यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बैक पेज है डिलीट कर देना होगा, ठीक है? वो करने के बाद आपको क्या यहाँ पे टाइप करना होगा, आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है? वो क्या कोड है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आप लोग के पे थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, वो जो कोड देख रहे हो ऐसा ही कोड मिल जाएगा। कैसे कॉपी करना है, आपको यहाँ पे पूरा कॉपी करना है, गॉड मूड से लेके अंत तक कॉपी करना, ठीक है? कॉपी करने के बाद क्या होगा आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, बस आपको यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि फोल्डर क्रिएट हो चुका है, तो बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। जैसे पेस्ट करोगे देखोगे आपके सामने यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे देखो कि आपके सामने यहाँ पे जो गॉड मूड है क्रिएट होके आ चुका है। तो आपको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं है, बस आपके यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे देखो कि आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 285 आइटम्स यहाँ पे आ चुका है, यानी कि दोस्तों जो कुल मिलाकर मूल फंडा एक ही है कि आप लोगों की जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो सारे चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। इससे फायदा क्या है वो भी बताए, तो देखो दोस्तों फायदा है कि अगर आप ऑफिस में या कहीं पे भी काम करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, जैसे कि तुरंत आपको कोई काम करना हो या लैपटॉप की कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ चेंजेस करना हो या साइबर कैफे आप काम करते हो तो क्या होगा तुरंत आप यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो। आप बात करते हैं मैंने जो आंत पे बताऊंगा ऐसा बोला था जो विंडोज 10 के बारे में, देखो दोस्तों तो अगर आपके पे विंडोज जो 10 है वो उसकी जो वर्सन है 2070 से पहले होगा तो
तो क्या होगा, आपके अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। गॉड मूड लिख के सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन उससे आफ्टर जो वर्सन है, यानी कि 2000 से लेके अभी तक जो लेटेस्ट जो वर्सन है, उसके बाद जो अगर आप 10 वर्सन विंडोज 10 वर्सन यूज करते हो तो क्या होगा, आपके यहाँ पे सेम ही प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे गॉड मूड जो लिख के है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि दोस्तों बिना नेम के जो जैसे फोल्डर देखते हो सेम ही यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान पर रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करके भी कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे गॉड मूड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप नहीं जानते हो जो शॉर्टकट की कैसे क्रिएट करना है तो मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो है, जाके भी देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो पर मालूम हो चुके जो गॉड मूड है वो क्या है और उसको कैसे हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी कोई बिना झंझट के बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों ऐसा हेल्पफुल वीडियो आगे पाने के लिए दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरे एक ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्निकल रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।